बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक 18.4 न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, इसको स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियर ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग रेडियो न्यूक्लियाइड की बात करते हैं। रेडियो न्यूक्लियाइड जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर ट्रांसमिशन में हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसमिशन में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स की बात करेंगे। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के हैं बेसिकली, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं ये खुद को चेंज करते हैं स्टेबल न्यूक्लियस में, ठीक है। तो वो खुद को अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियर में किस तरह से चेंज करते हैं, वो इसके लिए क्या करते हैं कि वो रेडिएशन जो है वो कुछ रेडिएशन अमिट करते हैं। जब वो रेडिएशन जो है वो अमिट करते हैं तो क्या होता है कि वो अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स न्यूक्लियर, पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। और जो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आते हैं, ठीक है, आफ्टर मीटिंग द रेडिएशंस, उनको हम लोग बोलते हैं डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड। तो इस प्रोसेस में जिसमें जो है वो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो है वो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, ख़ुद को जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाइड में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो उसको स्टडी करेंगे, जिसमें जो है वो हम लोग इस प्रोसीजर को जो वो डिटेल में देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले जो है वो पिछले टॉपिक में रेडिएशंस की बात की थी कि जो हमारे नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो हमारे न्यूक्लियस है अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी। एक हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जिसको हम लोग जो है वो हीलियम न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। सेकेंड वन जो है वो हमारे होते हैं बीटा पार्टिकल्स, इनको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं। और लास्ट वन जो है वो हमारे जो थर्ड पार्ट है वो है हमारी गैमा रेडिएशन से या गैमा पार्टिकल्स। तो जब भी हमारा जो है वो रेडिएशंस का प्रोसेस होता है, मीन्स कि जब हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो रेडिएशंस एमिट करते हो खुद को स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते, तो वो जो रेडिएशंस एमिट करते वो इनमें से किसी भी कोई भी हो सकती है, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते और गैमा पार्टिकल्स जो है ये भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी किसी भी किस्म के पार्टिकल जो है वो एमिट कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें जब हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो हमारे एग्जांपल है उसमें हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगा, सिंपल जो है मीन्स कि हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको हम लोग एक्सेस पोज करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में हम लोग उसे लिखेंगे ए और जी की फॉर्म में, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है, एटॉमिक मास है, जो कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जो जी है ये हमारा क्या है, ये हमारा एटॉमिक नंबर होते हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, पी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जब हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है वो क्या करेगा, स्टेबल में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा कि हम लोगों ने बात की कि वो रेडिएशन एमिट करेगा और साथ स्टेबल न्यूक्लियर में चेंज हो जाएगा जो कि हमारा डॉटर सेल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करें, इट मीन्स कि हम लोग हीलियम न्यूक्लियर की बात करें, तो हीलियम हमारा क्या होता है, हीलियम हमारा होता है 4πa, ठीक है, ये हमारे क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और ये हमारे क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स,
ठीक है, प्लस हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई हमें मिलेगा। और डॉटर जो है वो क्या होगा, वो किस तरह से हमारे पास आएगा कि हमारे पास टोटल जो एटॉमिक नंबर था हमारा वो जी था, ठीक है, जिसमें से क्या हो गया, दो जो हमारे प्रोटॉन्स है वो कम हो गए। तो इट मीन्स क्या, आप हमारा जो एटॉमिक नंबर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जी माइनस टू की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, जी माइनस टू। इसी तरह जो हमारा एटॉमिक मास है उसमें से क्या होगा कि हमारा फोर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, फोर जो है वो कम हो गया। तो अब हमारा जो एटॉमिक मास आएगा वो किस तरह से आएगा, ए माइनस फोर, ठीक है। तो इसका जो हमारा टोटल सेल हम लोगों को मिलेगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा, ए माइनस फोर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये उसकी एग्जाम्पल थी जब हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स को मीट करते तो जो हमारा रिजल्टिंग टोटल सेल बनता है उसका जो एटॉमिक मास के वो 4 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो भी 2 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल या पेरेंट एलिमेंट। जो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे बीटा पार्टिकल्स की, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग बीटा पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। और हमारे जो बीटा पार्टिकल्स है वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उनके भी हम लोग की सैंपल इसी तरह जर्नल लेंगे, एक्स की फॉर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर को ए से और मास नंबर को ए से और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब ये टोटल सेल्स में कन्वर्ट होंगे तो अब हम लोगों ने बात की कि ये बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट कर रहे हैं और हमारे जो बीटा पार्टिकल्स है वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि 0-1 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जो हमारा डॉटर सेल है उसमें अब क्या चेंजिंग आएगी, उसके एटॉमिक मास में या उसके एटॉमिक नंबर में अब क्या चेंजिंग आएगी, अब जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि हम लोग का जो हमारा एटॉमिक मास है उसमें जो है वो कोई भी जो है वो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन जो वो कम नहीं हो रहा, उसमें से 0 हम लोग सब ट्राई करें, तो इट मीन्स कि हमारा जो एटॉमिक मास है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जो हमारी चेंजिंग आएगी वो एटॉमिक नंबर में आएगी और वो चेंजिंग किस तरह से आएगी वो हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर में से उसको माइनस करेंगे, तो ये और ये माइनस जो है वो उस इलेक्ट्रॉन का है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग इस पे मैथ का रूल अप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा ओवरऑल क्या बनेगा, जी प्लस वन। इट मीन्स कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसमें क्या चेंजिंग आई है, उसमें वन जो है वो ऐड हो गया, मीन्स वन जो है वो इंक्रीज हो गया। अब जो हमारा टोटल सेल है उसका मास नंबर तो सेम है एज इट इज़ है, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर गया बाय वन, ठीक है। जो हमारी लास्ट एग्जांपल है वो है हमारी गैमा पार्टिकल्स की, ठीक है। गैमा को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अब क्या होता है कि इस पर क्या होगा कि गैमा पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ तब जो है वो अमिट होते हैं, ठीक है, या गैमा रेडिएशन सिर्फ तब अमिट होती है जब हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं इट मीन्स कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट से कम एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। और इस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है कि वो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है, और वो रेडिएशन जो है वो गैमा पार्टिकल्स की फॉर्म में एमिट होती हैं, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर जो है वो कोई भी चेंज नहीं आता, मीन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ए बाय जी इसे जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब उसने क्या करना है कि उसने गैमा पार्टिकल्स को जो वो एमिट करना है, ठीक है, मीन्स गैमा रेडिएशन सबमिट करनी है, क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना है तो इनके कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब है इसके अंदर से ना तो प्रोटॉन सबमिट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन सबमिट हो रहा, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। तो जो हमारा डॉटर सेल होगा वो एसिटी से हमारा आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा टोटल सेल जो वो एज इट इज़ आ गया। अब जो हमारा पेरेंट और टोटल सेल है उसमें कोई चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि ना तो उसके एटोमिक मास में कोई चेंज आ रहा है, ना ही उसके एटोमिक नंबर में चेंज आ रहा है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो हम लोग पेरेंट सेल के ऊपर जो है वो स्टेरिक लगा देते, ठीक है, जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। और जो गैमा है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो रेडिएशन है जो वो एमिट हो रही है, हमारा जो एक्साइटिस टाइम है न्यूक्लियस था वो गैमा रेडिएशन को मीट कर रहा है और ख़ुद को जो वो कम एक्साइटिस टाइम में जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें जो हम लोग ने न्यूक्लियर रेडिएशंस की बात की, और सॉरी न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन की बात की, और इसमें हम लोगों ने ये बात की कि हमारे जो पेयर अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं और ख़ुद को टोटल स्टेबल न्यूक्लियाई में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। वो जो रेडिएशंस एमिट होते हैं वो तीन टाइप्स की हो सकती है, थ्री डिफरेंट टाइप्स की, या तो वो अल्फा पार्टिकल्स होंगे या बीटा पार्टिकल्स, और लास्ट वन जो है वो गैमा पार्टिकल्स होंगे। अगर रेडिएशन जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में मीट हो रही है तो इट मींस कि उसके जो एटॉमिक मास है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम रिड्यूस होगा। इसी तरह अगर हमारी रेडिएशन जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की फॉर्म में मीट हो रही है तो उसमें क्या होगा कि हमारा एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा बाय 1। और अगर हमारे जो रेडिएशन जो है वो गैमा पार्टिकल्स की फॉर्म में मीट हो रही है, इट मीन्स कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो ख़ुद को स्टेबल फॉर्म में लेकर आएगा, तो वो जस्ट गैमा रेडिएशन से मीट करेगा, मीन्स एनर्जी मीट करेगा, लेकिन उसके ओवरऑल जो है वो उसके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में जो है वो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।